खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और कैसे जो मिशन 74 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे वो उसे हासिल करेगी। उनका चुनाव प्रचार भी देखेंगे। इस बार आप लक्ष्य लेकर चले हैं, अमित शाह भी कहकर गए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 74 से कम नहीं, तो ये अति आत्मविश्वास है या विश्वास है, क्या कहा जाए इसे? देखिए, ये हकीकत है जी। 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसके अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगे जी। मुख्यमंत्री जी, राजनीति में आंकड़े और सेंटिमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखें तो गठबंधन का जो वोट बैंक की अगर बात करें, अगर प्रतिशत में देखते हैं तो वो मजबूत बनता है अगर आंकड़ों की बात करें, और वो एक बड़ी चुनौती, क्या कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। गठबंधन की वास्तविकता, उनकी लोट खसोट, उनकी अराजकता, इन लोगों को शासन करने का अवसर मिला, इनकी गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है, देखा है। और कांग्रेस तो खैर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सर्वाधिक समय तक शासन की है, उसकी वास्तविकता सबके सामने है जी। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है, अमेठी रायबरेली सीट नहीं बच पा रही उनकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने विश्वास से अमेठी की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या आपका संगठन इतना मजबूत वहां पर है, क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि आप लोग अमेठी और रायबरेली पर भी आप कह रहे हैं कि आप जीत सकते हैं? अमेठी में राहुल गांधी जी पिछले 3 बार से वहां सांसद हैं, 15 वर्षों से वहां से सांसद हैं। 15 वर्षों में वो जितनी बार अमेठी नहीं आए होंगे, मुझे लगता है श्रीमती स्मृति ईरानी हारने के बाद भी उससे ज्यादा बार अमेठी आई हैं, अमेठी के विकास के लिए कार्य किया है। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि आप चुनावों के वक्त स्मृति ईरानी जूते बांट रही हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई अमेठी में। चुनाव के वक्त नहीं है, चुनाव के पहले, पिछले साल भी और उससे पहले साल भी हमने वितरित किया था, और बेसिक शिक्षा परिषद के 1,77,00,000 बच्चों को ये चीजें हमने बांटी हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि प्रियंका वाड्रा कैसी बहन और कैसी माँ है, बच्चों को गाली सिखाती है जी। अब यही कांग्रेस के संस्कार रह गए हैं जी। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। अब मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तो हम भी इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं के लिए निकलते हैं और किस तरह की उनकी दिन भर की दिनचर्या रहती है। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस वक्त चौपर पर सवार हो चुके हैं और चुनावी सभा में जाने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चौपर पहुंच चुका है सभा स्थल पर, और यहां पर एक रैली को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर अगले रैली स्थल पर जाएंगे। तो अभी मुख्यमंत्री रैली स्थल के ठीक बाहर मौजूद है, आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो उनको यहाँ पर रिसीव करने पहुंचे हैं, और अभी कुछ ही देर में जो पहली सभा है आज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो शुरू होने वाली है। ये देखिए, योगी को सुनने के लिए किस तरह से पूरे प्रदेश की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इस कड़कती धूप में भी यहाँ पर आए हैं। देश में भारत की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने का कार्य हुआ है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं और एक के बाद एक निशाना गठबंधन और कांग्रेस पर साध रहे हैं। आप देखिए रैली में कई महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों को सुनने आए हैं। क्यों, क्या लग रहा है आपको? फिर एक बार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार, फिर एक बार बीजेपी सरकार। योगी जी जो बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, गठबंधन के महा मिलावटी गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। सत्य कह रहे हैं, स्वार्थ का गठबंधन है। मोदी योगी को सुनने, क्या बोल रहे हैं योगी जी? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, भारत का इतिहास बदलने जा रहा है भारत। योगी को सुनने के लिए जहां पर पंडाल में काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं बाहर भी जनता का हुजूम मौजूद है जो मोदी और योगी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनकी दीवानगी भी आप देख सकते हैं किस कदर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं कि चौपर पर सवार हो गए हैं अगली जनसभा के लिए, तो हम भी इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि आगे मुख्यमंत्री किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हैं। चुनाव के इस मौसम में मुख्यमंत्री एक मिनट भी जाया नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो चौपर पर सवार होते हैं आप देख सकते हैं कि वो अपनी अगले कार्यक्रम की रूपरेखा देखने में जुट गए। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं क्योंकि वो खुद लैपटॉप नहीं चलाते हैं, लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त टैब लिए हुए हैं अपने हाथ में, अपना कार्यक्रम देख रहे हैं और इसके अलावा वो न्यूज भी इसमें पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अखिलेश यादव कहते हैं आप लैपटॉप नहीं बांट रहे, आप लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लेना। तो भगवान जिनकी बुद्धि पहले हर लेते हैं तो उनके मन में हमेशा नकारात्मक चीजें ही लेकर के आते हैं, वे दूसरों के बारे में सकारात्मक कैसे बोल पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी सभा स्थल पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं बाहर की किस तरह से तमाम समर्थकों का यहां पर तांता लगा है भरी दोपहरी में, और मुख्यमंत्री अगली जनसभा को संबोधित करने निकलने वाले। अच्छा लग रहा है योगी जी आए हैं, कम से कम आपकी बार दोबारा आए हैं हमारे यहाँ। टोटल वार्ड हमारे वहाँ मोदी जी के, मोदी जी प्रधानमंत्री बनी। तो योगी जी आए, अच्छी बात है, बाबा है, अच्छी बात है। क्या योगी जी कुछ काम वाम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बढ़िया, सब साधन दे रहे हैं सब। मोदी जी आएंगे? कैसे? कैसे आए हैं मोदी जी? आएंगे? आएंगे नहीं। कैसे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे, जनता चाहेगी तो आएंगे। आप योगी जी को सुनने आए हैं? तो मोदी और योगी जी कुछ कर रहे हैं? कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं सर। क्या कर रहे थे? करे गैस सिलेंडर दिन था, खाता पैसा दिन सबको, तो दे गैस सिलेंडर मिला है? नहीं, हमका नहीं मिला है। घर घर में घुस करके और दुश्मन के देश में घुस करके ठोकने का कार्य कोई करेगा तो भारत की जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ही ये मादा रखती है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी सभा में जैसे ही मंच से वो उतरे गाड़ी में सवार हुए क्योंकि अगली सभा में उनको पहुंचना है और वहां पर जनता को संबोधित करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद वो तुरंत चौपर में सवार हुए क्योंकि ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपने अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा, सपा बसपा पर निशाना साधा, आपने कहा कि राहुल गांधी वायनाड चले गए और एक बार फिर हरे झंडे का भी जिक्र आपने किया। हाँ, ये तो सच्चाई है भाई, ये तो हर व्यक्ति देख रहा है कि कांग्रेस अपनी हार को सुनिश्चित देख करके राहुल गांधी को यहाँ से प्लान करना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगली सभा स्थल की ओर रवाना हो रहे हो चुके हैं, इस वक्त चौपर में सवार हैं, लेकिन हम आपको दिखा देंगे किस तरह से मुख्यमंत्री और उनका जो कार्यालय है वो 24 घंटे एक तरह से काम करता है। मुख्यमंत्री जैसे ही अगली सभा में जाते हैं उससे पहले वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, वहाँ के कोर इश्यूज
वहाँ की समस्याएं, इन सब बातों का पूरा होमवर्क करके जाते हैं। तो आज के चुनाव प्रचार की आखिरी सभा में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आप बाहर देख सकते हैं एक बार फिर से वही तस्वीरें, अच्छी खासी तादाद में समर्थक धूप भरी धूप में खड़े हैं। और अगले मोर्चे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस वक्त निकल चुके हैं। आप देखिए, तमाम समर्थकों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अभी चौपर से उतरे हैं। आज के दिन की यह आखिरी जनसभा और मुख्यमंत्री का उत्साह वैसा ही जैसा पहली सभा में था। घर घर में घुस करके और दुश्मन के देश में घुस करके फूकने का कार्य कोई करेगा तो भारत की जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ही ये माना रखती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मुख्यमंत्री को सुनने यहाँ पर आए हैं। आप लोग योगी जी को सुनने आए हैं जी? आप तो किसान यूनियन के, किसान यूनियन में मोदी और योगी जी के साथ? जी जी, किसान सबको, सब लोग साथ में हैं। ऐसा क्यों, क्या कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी? काम अच्छा कर रहे हैं, गन्ने नहर में पानी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर एक में मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आज की आखिरी सभा खत्म करके अब वापस लखनऊ की तरफ जा रहे हैं और जाने से पहले अपने तमाम जो समर्थक हैं उनका अभिवादन भी मुख्यमंत्री ने किया। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक और रैली करके अब वापस अपने चौपर में आ चुके हैं जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हमने मुद्दों की बात कही है, विकास हो, सुरक्षा हो या सुशासन, यह हमारे मुद्दे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ है। लेकिन अपनी हताशा निराशा में विपक्ष व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहा है, यह उनकी हताशा निराशा को प्रदर्शित करता है। जी, अगर बात की जाए मायावती की, अखिलेश यादव ये आपको निशाने पर ले रहे हैं लेकिन मायावती बड़ा बहुत कम आप पर निशाना साधती हैं। अभी एक हम लगातार देख रहे थे, ट्रेंड देख रहे थे अब से लेकर जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, केंद्र सरकार पर निशाना साधती हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, विचारधारा से है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं अपने चुनाव प्रचार के बाद। कुछ सवाल और अब आखिर में, मुख्यमंत्री जी क्या कहना आपका? आप यूपी में प्रचार कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा आपने पश्चिम बंगाल में भी प्रचार किया जहां बीजेपी इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, या उड़ीसा में भी प्रचार किया, क्या उम्मीदें हैं पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाली, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। मोदी जी के कार्यों के प्रति पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त लहर है जी। और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। सीताराम येचुरी ने एक बयान दिया, वो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। उन्होंने रामायण और महाभारत का जिक्र किया कि इन दोनों एपिक उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि उसमें भी हिंसा हुई है, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन्हें अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए नाम का भी जो व्यक्ति सम्मान नहीं रख पा रहा है उसके बारे में टिप्पणी क्या करनी है, बड़ी अभद्र टिप्पणी है जी। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे और, एक आखिरी सवाल, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो क्या कहना आपका पूर्वांचल का, क्योंकि पूर्वांचल की जंग बड़ी दिलचस्प इस बार है और बेहद महत्वपूर्ण भी इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी जी। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।